बेगाने से लगते हो, देखो यूं न जाओ दिल से दूर तू। करते हैं हम हमसे पहले सूत्र चाहिए। 1500 रुपए सिर्फ सर। आबा, आज तक जो मैं नहीं कर पाया वो अब होगा। आज मैं अपने रिश्ते को नाम दूंगा और तुम्हें उस घर की बहू का अधिकार दिलवा के रहूंगा। आज तक आपके और हमारे बीच जो रिश्ता था, हमारा एक दूसरे पर जो भी अधिकार था, आज वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब सबके सामने तुम मेरी पत्नी कहलाओगी आभा। तुम्हारे और अपने परिवार को मनाने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। हमारे खानदानों की दुश्मनी को खत्म करने का एक ही तरीका है, अब हमारी शादी सबके सामने होगी। जानता था तुम जरूर आओगे, लेकिन इतनी जल्दी फैसला कर लोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हमारे लिए हमारे पिताजी की जिंदगी के सामने दुनिया की कोई भी खुशी मायने नहीं रखती सर। हमने पेपर्स पे साइन कर दिया है। थैंक यू सो मच। अब आप अपना केस वापस ले लीजिए। एक बात हम भी आपको जुबानी बता देना चाहते हैं, आज के बाद हम करण के सामने कभी नहीं आएंगे, कभी स्वर्ण भवन में कदम नहीं रखेंगे। करण के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। चाची जी, हम कल किसी भी तरह चाचा जी को घर ले आएंगे।
किसी भी तरह। वो डॉक्टर है कोई खुदा नहीं जो चाचा जी की तकदीर लिखे। मैंने उसे कहा था कि अगर वो हमसे सही तरह पेश नहीं आता तो हमें मीडिया की मदद लेनी होगी। फिक्र मत कीजिए। हेलो, मैं डॉक्टर मुकेश आहूजा बोल रहा हूँ। जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। कल कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद हम ठाकुर साहब को डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्या? थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ? अरे चाची जी, रोना बंद कीजिए, मुंह मीठा कराइए, चाचा जी घर आ रहे हैं। सच? जी, डॉक्टर का फोन था, वो कह रहा था कि कल सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप चाचा जी को घर लेके जा सकते हैं। बेटा, तुम हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी कर रहे हो ना, इसका एहसान चुकाने के लिए इस वक्त शुक्रिया के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। चाची जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो बाकी बेटे अपने परिवार के लिए नहीं करते? आज के बाद जिंदगी के हर सफर में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा आभा, और रही बात दुनिया की तो दुनिया को मैं मना लूंगा। करण, जिंदगी के सफर में हमारा साथ शायद यहीं तक का था, और स्वर्ण भवन से संबंध भी शायद इतना ही था। जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे थे, आज किस्मत उन्हें ही हमसे छीन रही है। करण, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ करण? आभा क्यों नहीं आई अभी तक? वो आएगी ना? नहीं, वो अब नहीं आएगी। हमेशा के लिए नौकरी छोड़कर जा चुकी है। क्यों क्यों नौकरी क्यों छोड़कर चली गई? तो और क्या करती? शायद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। I'm 101% sure. जरूर कोई ऐसी वैसी बात हुई होगी जो उस बेचारी को नौकरी छोड़कर जाना। अभी जहां तक मैं समझता हूं, आभा कभी कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उस नौकर लड़की के लिए तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? असलियत जब तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तब देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। असलियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता भाभी। आभा नौकर नहीं, इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। गलती उसने नहीं, मैंने की है, और अब मैं अपनी इस गलती को सुधारने में देर नहीं करूँगा। बहुत जल्द मैं उसे यहाँ वापस लाऊंगा, इस घर की बहू बनाकर। सानिया, देखो ना कानिका, मुझे लगता है करण मेरा बर्थडे भूल गया। उसने विश भी नहीं किया मुझे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करण भैया को तुम्हारा बर्थडे याद ना हो। वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे, सरप्राइज देना चाहते होंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो अंदर, बहुत सारी तैयारी करनी। चलो चलो चलो। संस्कार और राघव मामा पिताजी को लेकर अब तक आए क्यों नहीं? आभा, दरवाजा खोलो आभा। करण,
करण अब जाइए यहाँ से। मुझे तुमसे कुछ कहना है आभा। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम्हें सुनना होगा आभा, प्लीज। आप हमें आपकी कोई भी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकते करण। और तुम ये दरवाजा बंद करके मुझे मायूस कर सकती हो। आप जिद कर रहे हैं। और तुम यूँ दरवाजा बंद करके ज्यादती कर रही हो आभा। करण समझते क्यों नहीं करण? आभा मैं सब समझता हूँ, तुम बस मेरी बात एक बार सुन लो। आभा मैं जानता हूँ जो हुआ ठीक नहीं हुआ, और मैं उसी की माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। हर गलती की माफी मांगना जरूरी होता है आभा। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती ठीक है, लेकिन एक बार बात समझाने का और माफी मांगने का हक दो आभा, प्लीज आभा। आभा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं आभा। पर इसे पहन लोगी तुम्हारी सारी मजबूरी खत्म हो जाएगी। कहते हैं कि सूत्र बहुत मंगल होता है, एक बार ये मंगल सूत्र पहनाने दो आभा। जाने कैसी हाथों की है रेखाएं। आभा मैं जानता हूं जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन प्यार सही और ठीक नहीं देख पाता आभा। प्यार में कुछ सही और गलत नहीं होता आभा, और मैं अपनी इसी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं पूरी दुनिया को मनवा लूंगा, मैं खत्म कर दूंगा हमारे परिवार की दुश्मनी हमेशा के लिए। ट्रस्ट मी आभा। करण जिस रिश्ते का कोई भविष्य ही नहीं, उस रिश्ते की डोर को इतनी मजबूती से नहीं पकड़ते। मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत कर। मैं बस एक ही बात अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। करण प्लीज। प्लीज आभा प्लीज। इसे कोई नहीं जुटला सकता, तुम नहीं, मैं नहीं, हमारे परिवार की दुश्मनी कोई भी नहीं। एक बार दरवाजा खोल, एक बार तुम ये कह दो कि तुम नहीं चाहती कि हमारे परिवार की दुश्मनी खत्म हो। करण बहुत देर हो गई है, इन दो दिनों में पूरी दुनिया बदल गई। कुछ नहीं बदला आभा, दुनिया बदले ना बदले मोहब्बत कभी नहीं बदलती आभा, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ आभा। करण हम कभी मिल नहीं सकते। आभा एक बार दरवाजा खोल दो और मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कह दो कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं करण, अब ये दरवाजा आपके लिए कभी नहीं खुल सकता। डोंट डू दिस आभा। अब जाइए यहाँ से करण, हमें भूल कर अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से करिए। किसी अच्छी लड़की के साथ, सानिया के साथ। वो तो आपको आपको अच्छी तरह समझती भी है, शायद चाहती भी है। जो तोहफा आप हमारे लिए लाए हैं उसको दे दीजिए। चुप करो आभा, तुम कैसे मत बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। आभा प्लीज। तुम यहाँ ये देख रहे कि हम किस हाल में हैं? तो बच्चे, जब तक हमारा परिवार, हमारे बेटे हमारे साथ है, तुम और तुम्हारा बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
साफ। जाकर कह दो अपने बाप से कि ठाकुर साहब सही सलामत घर पहुंच गए हैं। और घर पहुंचकर उसने तुम्हारे बाप के मुंह पर तमाचा मारा है। ये भी कहना, ये भी कहना कि उसकी इस कमीनगी का हम बदला जरूर लेंगे। ऐसी जगह चोट पहुंचाएंगे उसे, न वो किसी को दिखा सकेगा न दर्द बर्दाश्त कर सकेगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो? पिताजी आप शांत हो जाइए, आप प्लीज अंदर चलिए, प्लीज आप चलिए अंदर। इस वक्त तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। कैसे नहीं बेटा, तुमने धमकी जो दी थी कि आना पड़ेगा। आ गया नरेश। यार इतने सालों बाद मिल रहे, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी यार। वैसे ये घर बिजनेस परिवार बनाने में बहुत कुछ खोना पड़ता है। नहीं हाँ, वो तो है। सानिया से केक कटवाएं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आओ आओ सानिया। बेटे अब केक काटो ना, किसका इंतजार है? अंकल करण नहीं आया अभी तक। हाँ यस ऑफ कोर्स, करण नहीं आया। करण करण ये क्या है? मैं सुबह से वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे, मुझे विश करोगे, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब थे। ऐसे क्या देख रहे हो? कम से कम अब तो विश कर दो। तुम भूल गए ना कि आज मेरा बर्थडे है? I'm so sorry, Sanya. Happy birthday. I'm so sorry. It's okay. चलो केक काटने में तुम्हारी वेट कर रही थी। कम कम कम। कैसे हो? Sanya, तुम इस तरह चलो केक काटो। मेरा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच पापा, बहुत सुंदर गिफ्ट है। नहीं नहीं बेटा, इससे भी अच्छा सुंदर गिफ्ट तुम्हें तुम्हारे जगमोहन अंकल देने वाले हैं। ऐसा कौन सा गिफ्ट है अंकल? शैली वो बॉक्स लेके आना जो मैंने तुम्हें दिया था रखने के लिए। This is for you. Thank you.
समझ अंकल, बहुत सुंदर है। ये तो माँ का हार है पापा। हाँ हाँ बेटा, माँ ने अपनी बहू के लिए रखा था। क्या बात है करण, समझे नहीं क्या तुम? जगमोहन और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारा और सानिया का रिश्ता तय किया जाए।